हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का वीडियो बेडशीट डिजाइन का पार्ट टू है। ये पिलो कवर इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये फ्लावर बनाना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे देख सकते हैं डिज़ाइन के वीडियो में, उसमें आपको मिल जाएगा। ये पिलो कवर के दोनों किनारे पर ये डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी कार्बन की सहायता से। आप पार्ट वन ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। ये पिलो कवर का दूसरा कॉर्नर है। दोनों कॉर्नर में मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। बेडशीट में भी इसी प्रकार के मैंने फ्लावर ड्रॉ किए हैं। इसको बनाने का तरीका आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसकी पेंटिंग आगे की वीडियो में है। वीडियो को पूरी वॉच करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अब इसी फ्लावर को पेंट करेंगे। इसके लिए हमने लाइट ग्रीन और दो नंबर फ्लैट ब्रश लिया है और येलो कलर भी लिया है। सबसे पहले पत्तियों की बारी आती है। ग्रीन भाग को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे डंठल में और पत्तियों में। वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ सके। अच्छे से फिल करेंगे, अच्छे से स्मच करेंगे कपड़े में ब्रश को ताकि हमारा कलर अच्छे से लग जाए और इससे ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। ये कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। इस तरह से इसके साइड साइड दो डंठल बनाएंगे और उसको छोटी छोटी पत्तियों से फ्लावर से इसको फिल करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब वाइट कलर लेके छोटी छोटी पत्तियाँ बनाएंगे दोनों किनारे पर। वीडियो में दिखाए गए अनुसार इस तरह से बनाएंगे फ्लावर की पेंटिंग। इसके बाद दिखाई गई है। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। लेमन येलो कलर लेके इसके ऊपर हम पेंट करेंगे। हल्के हाथों से इसको इस तरह से लगाएंगे। ये पूरी प्रोसेस के बाद हम पत्तियों की पेंटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद हम पत्तियों को कलर करेंगे ग्रीन कलर से। अच्छे से इसको फिल करेंगे, उसके साथ येलो कलर की हल्की हल्की शेडो डालेंगे।
वीडियो को अच्छे से फिल करेंगे, उसके बाद येलो कलर से लाइनिंग करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। वीडियो में दिखाए अनुसार आप अपने फ्लावर में भी इस तरह की शेडिंग डाल सकते हैं।